नीट पेपर लीक का मामला इस समय पूरे देश में गूंज रहा है। मामले में अब तक बहुत से संदिग्ध गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन अब इसके तार यूपी की राजधानी लखनऊ जा पहुंचे हैं और इसमें नाम आया है उस पेपर लीक के माफिया का जो जेल की सलाखों के पीछे कैद है। नीट परीक्षा की जांच, लखनऊ तक पहुंची आंच, जेल से क्या हुई साजिश। नीट पेपर परीक्षा की जांच अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। नए खुलासे में सामने आया है कि आरओ और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड रवि अत्री और शरद कुमार के गिरोह का हाथ नीट पर्चा लीक कराने में आ रहा है और इससे संबंधित कुछ सबूत सीबीआई के हाथ भी लगे हैं। हालांकि दोनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं, लेकिन सीबीआई ने इनका पुराना ब्यौरा खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी। सीबीआई की लखनऊ टीम भी इस मामले को लेकर एक्टिव है। जहां तक पेपर लीक मास्टरमाइंड रवि अत्री की बात करें तो नीट यूजी की गड़बड़ियों में उसका हाथ होने को लेकर पहले ही शक और चर्चा चल रही थी। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा के जेवर में पढ़ने वाले नीमका गांव का मूल निवासी है। वो पेपर लीक कराने के लिए कुख्यात है। फिलहाल रवि अत्री मेरठ जेल में बंद है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने रवि अत्री को 2 महीने पहले ही गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि रवि अत्री जब साल 2007 में कोटा जाकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था तभी उसका संपर्क पेपर लीक माफिया से हुआ। तब से ही वो पेपर लीक के धंधे में उतर गया और एक के बाद एक कई परीक्षा लीक में उसका नाम भी सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।